नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूं। यहां नगर पंचायत पट्टी में वार्ड नंबर 4 से सगईपुर देहात से निर्दलीय सभासद हुए हैं संतोष कुमार पुष्कर जी। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा था, डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद देकर आज हमारी जीत को सुनिश्चित किए। सगईपुर वार्ड नंबर 4 की जो भी जन समस्याएं हमारे संज्ञान में आ रही है उनको मैं दूर करने का काम भी कर रहा हूं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अब आप वार्ड नंबर 4 सगईपुर से चुनकर आ गए हैं तो किन किन कार्यों को आप प्रथम प्राथमिकता देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, यूपी न्यूज को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप हमारे वार्ड में आए और हमारे बातों को सुनने के लिए आप बहुत खुशी की बात है, आप हमारे पास आए हैं। सर, वार्ड नंबर 4 सगईपुर में मैं अभी टहल रहा था जी भैया, तो लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल की बड़ी तगड़ी अव्यवस्था है। सिस्टीडियस पे होने कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जी ये तो बात, इसके लिए क्या मिनी बोर करा के 7,000, 8,000, 10,000 लीटर की पानी की टंकी बनवाने का काम करेंगे जिससे लोगों, या आरओ लगवाने का काम करेंगे उसमें जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके? जी बिल्कुल, इस बारे में हमारे अध्यक्ष जी सोचे भी हैं और अच्छे तरीके से बात हुई है हमसे उनसे कि हमारे वार्ड में वाटर लेवल थोड़ा ऊपर है और प्रदूषित जल है, तो हम सोचते हैं कि एक यहाँ पे आरओ प्लांट लगाया जाए या जैसे मिनी बोर कराया जाए, मिनी बोर कराया जाए और पानी की टंकी लगाया जाए, उसमें आरओ लगा दी जाए और अपने वार्ड में सप्लाई भी हो, हर घर घर पहुंचे वो पानी, तो ताकि सब शुद्ध पानी पिए और निरोग रहें। ठीक है, तो बाकी और बहुत सारे काम है हमारे वार्ड में। आपका आपका स्लोगन भी रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त, डूडा के अंतर्गत आवास आता है निर्ध गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है नगर पंचायतों में कि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, जो 2,50,000 रुपए आवास का मिलता है वो दिलवाने का काम करेंगे और जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो पात्र हैं उनको जरूर लाभ दिया जाएगा और जो अपात्र हैं, जो लिए हुए हैं, जो उस लायक नहीं थे, उनकी भी जांच होगी और जो निचले बेचारे गरीब हैं, जो झोपड़ियों में रहने पे मजबूर हैं, उनको बिल्कुल आवास दिया जाएगा और प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के अंतर्गत उनको पहुंचाया जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा। जो एक रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हमारे वार्ड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, न खाएंगे न खाने देंगे किसी को। कोई कर्मचारी आ रहा है मतलब विभाग से आ रहा है या कोई आ रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। जो 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। सर, अक्टूबर 2018 में ODF किया दिया गया था नगर पंचायत को, जबकि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार जैसे निज शौचालय, सामुदायिक शौचालय चूंकि मार्केट एरिया में पड़ता है, अभी हम व्यापारियों से भी हमारी बात हुई तो उन लोगों ने बताया भैया हमारे यहाँ दूर दराज से रूरल अर्बन एरिया से महिलाएं आती हैं, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो पिंक शौचालय की भी आवश्यकता है। तो जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहे हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, तो शौचालय खरीदार तो वो भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो शौचालय के लिए कहाँ तक आपका फोकस है? शौचालय के लिए हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छी तरह से सोच समझे हैं और जहां तक जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में शौचालय दिया जाएगा और एक समूह पिंक शौचालय जो होता है जिसको बोलते हैं वो सब व्यवस्था भी किया जाएगा, जगह चिन्हित किया जा रहा है, अच्छी जगह मिलती है तो वो बनवाने का कार्य करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। सर, बरसात का समय आ गया है, जल निकासी के लिए तमाम जगहों पे गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, नाली का भी निर्माण सुनिश्चित करना होगा। जी 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 बिल्कुल, इन डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे थे, किन किन स्थानों पे आपको लगा कि यहाँ पर जल निकासी के लिए नाले का निर्माण बहुत जरूरी है? देखिए, जल निकासी के लिए तो हमारे वार्ड में दिक्कत है, हमारे वार्ड में ही नहीं 10 वार्ड में दिक्कत है, पूरी पट्टी में दिक्कत है। हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छी तरह से युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो कि नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह हो रहा है, छोटी नालियों की भी सफाई अच्छी तरह से हो रहा है और ये कार्य अच्छा होगा। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पूरे 10 वार्ड में एक हिसाब से RCC नाली बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण हो गया, बोर्ड की बैठक हुई थी, किन किन स्थानों को आपने प्राथमिकता देने का काम किया कि यहाँ भैया जल निकासी के लिए बहुत ज्यादा गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं एक वार्ड के लिए नहीं 10 वार्ड में ये दिक्कत होती है जल निकासी की, जो हमारे अध्यक्ष जी बताए हैं कि
दसों वार्ड में पानी निकासी दिक्कत होती है, बाकी सफाई को चल रहा है, लेकिन उनका अगला सोच ये है कि जितने वार्ड में बड़े नाले या नालियां हों उनको ढंग से RCC बनाया जाए और पानी निकासी ढंग से किया जाए ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि पानी जब नाला जो भर जाता है, नाली और नाला भर जाता है तो रोड पे पानी आ जाता है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी 10 की टीम बनाए हैं और वो 10ों की टीम अच्छे वार्डों में, सब 10ों वार्डों में सफाई अभियान जारी किया है, युद्ध स्तर पे चल रहा है। समुचित वार्डों में साफ सफाई को लेकर क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे, जिससे लोग गीला कचरा, सूखा कचरा घरों में से निकाल करके बकेट में डालें और नगर पंचायत के जाने वाले उसमें। ये हमारे टाउन एरिया ऑफिस में आ चुका है, ये डस्टबिन जिसको बोलते हैं, गीला और सूखा कूड़ा, तो वो अब लगने वाला है, लगा भी पहले था, अब नए सिरे से आया है, वो भी लगाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी निकालना, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और अच्छे से होगा। अभी सचिव वार्ड नंबर 4 में देखिए 5-6 रोड ऐसे हैं हमारे वार्ड में जो कि टूटे फूटे हैं। अब तक काम हुआ था लेकिन कुछ काम गड़बड़ हुआ था। अब आने वाले समय में, इस समय जब अगला कार्य होगा तो अच्छे ढंग से हमारे अध्यक्ष जी करेंगे और हमारे मंत्री जी के सहयोग से अच्छा ही कार्य होगा। सर, सभी वार्ड नंबर 4 सगईपुर के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें और जल निकासी पे कोई अवरोध न करें। पटिया अगर निकाल रहा है कर्मचारी तो उसको अच्छे तरह से निकालने दें, उनका हेल्प करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और जहां तक कि पौधा, जहां जगह जिसके जिसके घर के सामने जगह है और पटरी है तो वहां पे पौधा लगाने का कार्य करें। अगर हमारा वार्ड हरा भरा रहेगा तो अच्छी खुशहाली आएगी, हम लोग बढ़िया अच्छे से वातावरण में रहेंगे। ये थे संतोष कुमार पुष्कर जी, इनका कहना है कि आदर्श वार्ड का जो हमने संकल्प लिया है उसका पूरा करने में हम पूरी मादा भी रखते हैं, उसको पूरा करने का हमने संकल्प भी लिया है। हमारे संज्ञान में जो भी यहाँ की जन समस्याएं आएंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट।